टेनिस्टर सानिया मिर्जा भारत की सबसे सफलतम खिलाड़ी हैं। 6 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सानिया दुनिया की नंबर 1 डबल्स टेनिस खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। वो 4 बार ओलंपिक भी खेल चुकी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि सानिया भारत की सबसे सफलतम खिलाड़ी हैं। मां बनने के बाद कोर्ट पर जब पहली बार सानिया उतरी तो उन्होंने डबल्स का खिताब जीता। रियो ओलंपिक्स 2016 के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली सानिया ने 44 WTA खिताब भी जीते हैं। इसके अलावा वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने सिंगल्स की रैंकिंग में टॉप 30 में जगह बनाई है। सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर से शादी की और उनका एक बच्चा भी है। वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और अपनी लाइफ की कई किस्सों को भी शेयर करती हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी बहन के साथ रील्स बनाए और शेयर किया। रील्स में वो अपनी बहन से कह रही हैं, हाय गाइस, ये मेरी बहन है, इसको मेरे माँ पापा ने कचरे से उठाया था। इस फनी रील के बाद फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और सानिया से इस राज को राज ही रहने देने की बात भी कह रहे हैं। सानिया की बहन अनम एक फैशन डिजाइनर हैं। सानिया ने इस साल के आखिर में टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया था। हालांकि साल के आखिरी टूर्नामेंट US ओपन में वो चोट की वजह से नहीं खेल सकेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि वो अपने संन्यास के फैसले को बदल सकती हैं। सानिया मिर्जा को भला कौन नहीं जानता। बेबाक और अपने इरादों के लिए जाने जाने वाली सानिया आज देश की प्रमुख टेनिस खिलाड़ियों में मानी जाती हैं। एक दौर था जब उन्होंने बेहतरीन खेल प्रदर्शन के जरिए दुनिया भर में अपना नाम का डंका बजाया था। अपने बेहतरीन खेल प्रदर्शन के साथ सानिया वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। यहां तक पहुंचना सानिया के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन समाज की सभी मुश्किलों को पार करते हुए वो देश की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गई। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर साल 1986 को हैदराबाद के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। साल 2010 के दौरान सानिया मिर्जा देश की बेहतरीन खिलाड़ी उभर रही थी। उसी दौरान उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की। पाकिस्तान और भारत के आपसी रिश्तों के कारण ये शादी काफी चर्चा में रही। हालांकि शादी के बाद भी उन्होंने देश को कई मेडल दिलाए और देश का नाम ऊंचा किया। साल 2018 में सानिया और शोएब के घर नन्ना मेहमान आया, जिसके बाद सानिया खेल में उतनी सक्रिय नहीं रही। तब से लेकर अभी तक सानिया ने चुनिंदा मैचों में भाग लिया है। आखिरकार साल 2022 में उन्होंने टेनिस को अलविदा कह दिया। तो ये थी सानिया मिर्जा की इंस्पायरिंग कहानी, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।